आप सब लोग आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ऑपरेशन एम्पलीफायर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान रखा करो, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेशन एम्पलीफायर। देखो ऑपरेशन एम्पलीफायर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए भी, एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए भी और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए भी, तीनों ब्रांच के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन एम्पलीफायर। सबके लिए वेरी गुड आफ्टरनून और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर अपन बात करें इलेक्ट्रिकल ब्रांच की या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो या फिर जिनकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है या उनकी ब्रांच इंस्ट्रूमेंटेशन है, तीनों ब्रांच के लिए बात करें तो जैसे सबसे जो पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है डायोड फैमिली। सबसे डायोड फैमिली में हम अपना जो बस एक क्लीपर सर क्लीपर और वो क्लेम्पर, बाकी सिर्फ वो पढ़ाऊंगा ऑपरेशन एम्पलीफायर के बाद, क्यों नेटवर्क में ट्रांजेंट होने के बाद। दूसरा जो है अपना, सर बफरिंग क्यों हो रही है, दोबारा दिक्कत आई है ना, अरे सर यही दिक्कत है, मैं तो वो क्या सही अभी हो रही है ना, हो गया देखो करना बड़ा करने को। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, दूसरा जो आता है अपना इसमें क्लेम्पर बाकी है, वो नेटवर्क होने के बाद पढ़ाऊंगा क्लेम्पर, नेटवर्क ट्रांजेंट हो जाएगा। दूसरा अपना आता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, सबसे इम्पोर्टेंट आपका। इसके बाद ये अगर पेपर के एग्जाम की बात करें तो पेपर क्वेश्चन जो होते हैं, जो आपका पेपर जो आप देने जाते हो उसके कम 80% क्वेश्चन ऑपरेशन एम्पलीफायर से होते हैं। 80% मतलब 80% क्वेश्चन ऑपरेशन एम्पलीफायर से, 80%। और ये तीसरा जो आता है बीजेटी एम्पलीफायर, फिर फीडबैक एम्पलीफायर, फिर रेक्टिफायर या पावर एम्पलीफायर की अपन क्या करेंगे आगे बात करेंगे। सर दोबारा हुआ, ये क्या दिक्कत कर रहा है, व्यूअर देखो तो एक बार सब लोग हेलो लिखना, एक बार आवाज आ रही है आप चेक करने को, सब लोग हेलो लिखो, चलो एक बार सब लोग हेलो लिखो, नहीं चल रहा होगा सर इसे, इसमें बफरिंग हो रही है तभी तो।
उसमें कैसे हैं? तो ये बफरिंग वगैरह सबको दिखाई दे रहा है ना? बिल्कुल क्लियर, सब लोग आ जाइए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। सब लोग आ जाइए, ऐसा तो नहीं लिंक किसी और कॉपी हो गया। सब लोग आ जाइए, देखो फीडबैक एम्पलीफायर नेक्स्ट जो है वो रेक्टिफायर होगा, वो पावर एम्पलीफायर होगा। आप सब लोग क्लियर दिखाई दे रहे हैं सब कुछ? यहाँ जो लिख रहा है बफरिंग तो नहीं हो रही किसी की? देखो यहाँ पे आ जाइए, फिर अपन बात करते हैं। देखो पहले अपने डायोड फैमिली पढ़ा, फिर पढ़ा ऑपरेशन एम्पलीफायर, फिर अपन बीजेटी एम्पलीफायर, फिर फीडबैक एम्पलीफायर। तो उसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी बात करते हैं ना। देखो सब लोग क्लियर है ना? देखो ऑपरेशन एम्पलीफायर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा थॉर्टिकल है, इसके थॉर्टिकल की बात करते हैं, फिर उसकी बात करेंगे। थोड़ा थॉर्टिकल है स्टार्टिंग में बात करते हैं उसके। सर ये क्या कह रहा है देखने? हाँ आज पब्लिक है बेटा, मीट सोलंकी आज पब्लिक है। 15 स्टार्टिंग के जो लेक्चर होंगे वो ओपन एम्पलीफायर के वो पब्लिक होंगे। वो आपको जो दिखाई दे रहा है ना ओपन दिया, उससे क्या लेन देना बेटा उससे, क्योंकि स्टार्टिंग में 15 वो होंगे लेक्चर। देखो यहाँ पर पहला पॉइंट ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ए हाई गेन डीसी एम्पलीफायर। स्टार्टिंग थोड़ा थॉर्टिकल है उसकी बात करते हैं, फिर न्यूमेरिकल की बात करें। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक हाई गेन डीसी एम्पलीफायर है, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है। दूसरा विच परफॉर्म सम मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, लॉगरिथमिक एंड एंटी लॉगरिथमिक। अब तो सही चल रहा हो बेटा अर्जुन? देखो सब लोग बताओ सही चल रहा है, बताओ एक बार सब कमेंट करके सही चल रहा है ना? अब तब तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं कोई? देखो एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर की अपन बाद में बात करेंगे जो भी है। दूसरा फोन अब तो सही चल रहा है सबका। इट कैन एम्पलीफाई बोथ DC as well as AC. AC, ठीक है, सही चल रहा है आप तो? देखो तीसरा बात करते हैं, द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी फॉर एम्पलीफिकेशन इज गिवन बाय
जीरो टू टेन की पावर सिक्स हर्ट्स, जीरो मतलब डीसी, डीसी फ्रिक्वेंसी, और ये आपका एसी फ्रिक्वेंसी। अब तो क्लियर है सबको। देखो चौथा पॉइंट, ऑपरेशन एम्पलीफायर इज कॉल्ड एज वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स BDVS। यहां तक लिखो, अब सबको क्लियर होगा एकदम। देखो अपने एम्पलीफायर को डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर बोलते हैं, आगे बताऊंगा कैसे डायरेक्ट कपल, जो कि सब ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लाइक एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉगरिथमिक एंड एंटी लॉगरिथमिक। ये दोनों को एम्पलीफाई कर सकता है, डीसी को और एसी को। आगे देखें कैसे एम्पलीफाई करेगा एसी और डीसी को। द ऑपरेटिव फ्रिक्वेंसी जो होता है वो 0 से 10 रेज़ टू पावर 6 हर्ट्ज के सिग्नल को आपका एम्पलीफाई कर सकता है। 0 मतलब आपका डीसी फ्रिक्वेंसी और 10 रेज़ टू पावर 6 मतलब एसी फ्रिक्वेंसी। चौथो कि ओपले एम्पलीफायर का दूसरा नाम है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। कैसे वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है इसकी भी आगे बात करेंगे। तो इन सब पॉइंट को अभी मैं आगे और ज़्यादा क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। तो इतना हो जाए, डन लिखना सब लोग, इतना हो जाए सब लोग डन लिखना। इतना होने के बाद डन लिखना, फिर आगे बात करते। इतना हो जाए सब डन लिखना, फिर आगे बात करते। हेलो, डन लिख देना यहाँ तक। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सर बकरी कैसे हो रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायोड फैमिली के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है ऑपरेशन एम्पलीफायर। अगर ये दो टॉपिक पढ़ लेती हो आप तो मतलब सोचो आप एनालॉग आपका बहुत अच्छा है। डायोड फैमिली और ऑपरेशन एम्पलीफायर किसी भी पेपर में बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं दोनों। इतना डन लिखो सब लोग। जयप्रकाश नारायण आप भी डन लिखो बेटा, तो क्यों मैं आपका जयप्रकाश नारायण आप सबसे पीछे हो जाते हो। आप नेटवर्क में एनालॉग में भी देख रहा हूँ आपको, नेटवर्क में भी, या तो आप जानबूझ के होते हो। या तो आप इनकी फ्रिक्वेंसी से मैच हो जाओ, और आप फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं होते फिर रिकॉर्डेड देखो बेटा आप। देखो बताओ आपकी फ्रिक्वेंसी इन सबसे अलग है, और काफी दिन हो गए आपको। सब डन, तो ऐसे अगर आप और काम करोगे इसके साथ साथ तो कैसे हो पाएगा। आपके आपकी स्पीड बहुत कम है और किसी की नहीं है। या तो इन सबको एक स्पीड में लेके आओ, या फिर आप रिकॉर्डेड देखो बेटा। क्योंकि पूरा नेटवर्क कवर हो गया तब भी यही और पूरा ये, तो आप अक्तर आपके फ्रिक्वेंसी सेट हो जाना चाहिए। देखो ऐसा होता है, ई ऑल वीडियो होता है आउटपुट, और ये होता है आर नोट। इसको बोला जाता है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, आउटपुट साइड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, आउटपुट साइड की आउटपुट साइड कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये आउटपुट साइड कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट साइड रिप्रेजेंटेशन,
तो इसलिए ऑपलेन एम्पलीफायर को वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बोलते हैं, इस वाले टर्म की वजह से। और बात करेंगे अभी आगे, अभी तो बस इंट्रोडक्शन सा ही चल रहा है, अभी और आगे बात करेंगे। तो यहाँ तक डन लिख दो सब लोग। जैसे मैं बता नहीं रहा, जैसे मैं बीजेटी की बात करूँ, बीजेटी को ये फिगर है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। इन बीजेटी की बात करें, बीजेटी में पढ़ाऊंगा, ये हो गया एच एफ ई आई वी, ये हो गया आपका आर नॉट, एच ओ ही कह दो आप। ये फिगर है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये क्या है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये बीजेटी का, ये किसका है बीजेटी का। मॉसफेट की बात करें, इन मॉसफेट, अभी तो मैं बीजेटी पढ़ा रहा हूँ, उसको ऑपले एम्पलीफायर पढ़ा रहा हूँ। और ये आर नॉट, ये क्या हुआ वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो जब आप एनालॉग में पढ़ते हो, तो तीन तरह की डिवाइस पढ़ते हो आप, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स और वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कोई नहीं होता, तो चौथा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एनालॉग में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एनालॉग में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर जो है वो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, वो कैसा है आपका वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इतना हो जाए, डन लिखना सब लोग। तो ये बीजेटी मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं आगे पढ़ाऊंगा। ये मैंने मॉसफेट पढ़ाया नहीं है, मॉसफेट या फिर जेफेट, जेफेट तो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा, मॉसफेट नहीं पढ़ाया अभी, तो इस पर काम करूंगा ऑपलेन एम्पलीफायर। तो अभी मेरा मेन काम है ऑपलेन एम्पलीफायर को समझाना। एक बार ऑपलेन एम्पलीफायर समझ में आया, फिर आगे अपन और टॉपिक की भी बात करेंगे। अटक अटक के देखो यहाँ पर एक बार, देखो चलो आगे बात करते हैं इसमें, डन सब का देखो। तो यहाँ बात करते हैं आगे, फिर ये तीनों आउटपुट साइड के रिप्रेजेंटेशन, पांचों बात करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, क्या हो उसकी बात करते हैं। ये आपका माइनस, ये आपका वी आई, ये आपका प्लस, ये आपका वी एन आई और ये आपका वी नॉट है। ऊपर प्लस वी सी सी सप्लाई है, सब लोग ध्यान समझना, प्लस वी सी सी सप्लाई, और नीचे माइनस वी ई नेगेटिव सप्लाई। ऊपर है पॉजिटिव सप्लाई, इसको बोला जाता है इन्वर्टेड टर्मिनल,
उसको बोला जाएगा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। अब क्या होता है, जा कभी कभी ये दोनों वैल्यू सेम गिवन होती है, कभी कभी अलग अलग गिवन होती हैं, कभी कभी सेम होती है और कभी कभी अलग अलग होती है। कई बार ऐसे को देखने को मिलेगा, कई बार इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो वीडी होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस जो कहलाएगा वो वीडी कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वीडी। तो वीडी या वीएन क्या होगा, इनपुट वोल्टेज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये क्या होगा भाई, वी एन आई माइनस वी आई, नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग। मोस्ट ऑफ टाइम क्या मिलेगा, मोस्ट ऑफ टाइम ज्यादातर क्यों, माइनस वी सी सी जो है प्लस बी सी सी और माइनस बी ई का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। तो कई बार ऐसे मिलेंगे मैक्सिमम टाइम, ये वी आई, ये वी एन आई और ये वी नॉट, ऊपर वाला प्लस बी सी सी है तो नीचे वाला माइनस बी सी सी, ऐसे होगा। या फिर आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, मैक्सिमम टाइम ऐसे मिलेगा, इन मैक्सिमम टाइम माइनस प्लस ये वी आई, ये वी प्लस बी एन आई, ये वी नॉट, ऊपर प्लस 10 वोल्ट है नीचे माइनस 10 वोल्ट है, ऊपर 5 वोल्ट है और नीचे माइनस 5 वोल्ट है, ये वी आई, ये वी एन आई, ये वी नॉट, ऊपर प्लस 5 वोल्ट है नीचे माइनस 5 वोल्ट है। देखो आप, तो पर ऐसे समझ लेना बिल्कुल गलत है, ऐसे समझ लेना, देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये प्लस 10 माइनस 10 ज़्यादातर आपको ऐसे ही दिखाई देगा, प्लस 10 माइनस 10 आपको दिखाई देगा ज़्यादातर आपको, पर ऐसे नहीं है कि हमेशा दिखाई दे, ये ऐसे हो भी सकता है या अलग अलग भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, पहले बोलो अलग अलग भी हो सकते हैं, प्लस बी सी सी माइनस बी ई अलग अलग भी हो सकते, ज़्यादातर आपको सेम दिखाई देगा, ऊपर प्लस 10 है तो नीचे माइनस 10, ऊपर प्लस 5 है तो नीचे माइनस 5 ज़्यादातर। पर कई बार ऐसे भी हो सकता है तो घबराना मत, कई बार ऐसे भी हो सकता है, ये माइनस ए प्लस, ये बी आई, ये वी एन आई, ये वी नॉट है, ऊपर वाला प्लस 10 है नीचे वाला माइनस 5, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी होता है, तो बोलो घबराना मत, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई लोग सोचते हैं ऊपर और नीचे का बराबर होगा, ये गलत बात है, ऐसे भी हो सकता है, ऊपर प्लस 10 नीचे माइनस 5 ऐसे भी एग्जिस्ट करता है, मैं कह रहा हूँ। तो ये सोच लेना कि ऊपर प्लस 10 है नीचे माइनस 10 दिखाई देगा, बिल्कुल सही नहीं है वो चीज़, सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है नीचे वाला। और सब लोग ध्यान से पढ़ना, मैं जो ऑपरेशन एम्पलीफायर पढ़ा रहा हूँ, छोटी छोटी लेके बड़ी से बड़ी सारी चीज कवर करूंगा, अब देखते जाना बस। चलो डर लिखो यहां, तो
छोटी छोटी लेके बड़ी से बड़ी सारी चीज कवर करेंगे अपन। देखो एक कोई इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर लिया मैंने, इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर, सब लोग ध्यान से समझना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऊपर और नीचे का जो मेन कोट है वो सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, ज़्यादातर सेम मिलेगा आपको, पर ये कह दो हमेशा सेम मिलेगा ये सही नहीं है। अभी देखा ऊपर प्लस 10 था नीचे माइनस 5 था, ऐसे ही मिल सकता है। तो कई लोगों को ऑपरेशन एम्पलीफायर बहुत अच्छी तरह पढ़ाऊंगा समझना, बिल्कुल PhD हो जाएगी और बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। पर देखो तो जैसे आपने यहाँ पे दिया, आपको ये कह सकता है ओपन लूप सिस्टम है भाई, ओपन लूप ने मैंने सिंप्लिसिटी से लिए फीडबैक को रिमूव कर दिया, फीडबैक को रिमूव कर दिया है, हियर फॉर सिंप्लिसिटी और फीडबैक आर रिमूव, हियर फॉर सिंप्लिसिटी, हियर फॉर सिंप्लिसिटी, ऑल फीडबैक आर रिमूव, ऑल फीडबैक आर रिमूव, ऑल फीडबैक, ऑल फीडबैक आर रिमूव। सिंप्लिसिटी के लिए फीडबैक को क्या कर दिया, रिमूव क्या कर दिया है, रिमूव। अब यहां पे ध्यान देना सब लोग, देखो अगर आप यहां पर दे रहे हो तो ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये आपका VI है और ये आपका VNI है। अगर आप इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट दे रहे हो तो उसका जो फेज शिफ्ट मिलेगा 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब ये V0T है और ये आपका ये V0 है। 180 डिग्री का ये मतलब है पॉजिटिव पे मिलेगा नेगेटिव और नेगेटिव पे मिलेगा पॉजिटिव। तो ये जो इनपुट दिया और आउटपुट में इन दोनों में जो फाई है वो 180 डिग्री है, वो कितना है 180, इसलिए वो बोला जाता है एक नेगेटिव फीडबैक को बोला जाता है 180 डिग्री फेस शिफ्टर सर्किट। तो नेगेटिव फीडबैक इज आल्सो कॉल्ड एज 180 डिग्री फेस शिफ्टर सर्किट, 180 डिग्री फेस शिफ्टर सर्किट, क्योंकि इनपुट और आउटपुट के बीच में यहां पर जो फेस शिफ्ट होगा वो कितने का होगा, 180 डिग्री, कितने का होगा 180 डिग्री का। चलो यहां तक जान लिखो, और दूसरा बात करते हैं नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर का, नहीं बात कर देता हूं, इतने से हम बात कर देता हूं। जैसे आपका ये तो 180 डिग्री फेस शिफ्टर सर्किट है, ऊपर फिर मैंने प्लस लिया, नीचे मैंने माइनस लिया, इसको ग्राउंड कर दिया, और ये आपका ये वी इन और ये VNI और ये VI, ठीक है बेटा। तो सिंप्लिसिटी के लिए फीडबैक रिमूव कर दिया और यहां पे दिया ये ωt है, ये प्लस माइनस वी है और ये इसका आउटपुट है V0। तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, ये ωt है, V0 है, तो कैसे मिलेगा ऐसे। तो कितने डिग्री है आपका, 0 डिग्री, ये कितना डिग्री फेस शिफ्ट है, 0 डिग्री। तो ये हो गया फिगर, बेसिक नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर और 0 डिग्री फेज शिफ्टर और 0 डिग्री शिफ्टर सर्किट। तो 0 डिग्री फेज शिफ्टर को जो बोलते हैं वो बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर इज कॉल्ड एज 0 डिग्री फेज शिफ्टर। इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर इज ऑल्सो कॉल्ड एज 180 डिग्री फेज शिफ्टर।
डाल लेगा यहाँ तो हेलो डाल लेंगे ना। डन चलो। अच्छा संदीप कुमार अटक अटक के चल रहा है अब देख, एक सेकंड रुको फिर एक बार। अभी सर की बात हो रही है, अभी थोड़ा आप वेट कर लो जब तक आप जो बेस वैसे मैं करा देता हूँ। देखो आप बताना, थोड़ा अगर प्रॉब्लम आया थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, आगे दिक्कत आया तो बताना, सर बात ही कर रहे हैं टेक्निकल टीम से। थोड़ा टेक्निकल इशू हो जाते हैं वैसे तो। थोड़ा कम पढ़ा दूंगा आज, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा 1 बजे एंड कर दूंगा, जब तक आप एडजस्ट लो लो लो। देखो यहाँ पे ध्यान दो एक बार, ट्रांसफर कैरेक्टिक्स कैरेक्टिक्स ये आपका वी नॉट है, इधर वीन या फिर डिफरेंस वोल्टेज ऑप्टिकल एम्पलीफायर का, ये वाला कौन सा, ये वाला, ये वी आई होता है, वी एन आई होता है, और ये वी नॉट है, ये डिफरेंस वी डी, ठीक है, ये वी डी। प्लस वी सेचुरेशन होता है इधर, या माइनस वी सेचुरेशन होता है इधर, ये होगा प्लस वी सी सी, ये होगा माइनस वी सी सी, और ये रीजन जो होगा आपका बीच वाला एम्पलीफायर रीजन होगा ये, और ऑपरेटिंग रीजन होगा इसको। और क्या होगा ऑपरेटिंग रीजन,
तो वी नॉट मैक्स की बात करें, इधर लिख देता हूँ, वी नॉट मैक्स क्या है, वी आउटपुट जो मैक्स जा सकता है वो प्लस बी सी सी जा सकता है, प्लस बी सेचुरेटेड जा सकता है या प्लस बी सी सी। तो प्लस बी सी सी को बोलेंगे आपका मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज, मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज। वी आउटपुट मिन की बात करें, माइनस बी सेचुरेटेड माइनस बी सी सी, ये क्या होगा, मिनिमम आउटपुट वोल्टेज, मिनिमम आउटपुट वोल्टेज। इसका मतलब ये क्या होगा, माइनस बी सी सी या बी सी सी या प्लस बी सी बी सी सी, ऐसे होगा। वी नॉट की वैल्यू बराबर भी लगा सकते हो और किल ले सकते हो आप, माइनस वी सैचुरेटेड वी नॉट प्लस वी सैचुरेटेड। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सब लोग ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना, जैसे ये है, ये भाई उसका एक ट्रांसफर कैरेक्टिक्स है, ट्रांसफर कैरेक्टिक वी नॉट और वी इन और वी डी के बीच में, वी इन और वी डी क्या है, नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग, हियर वी डी या वी आई, हियर वी डी या वी आई क्या आपका नॉन इन्वर्टिंग माइनस क्या है इन्वर्टिंग, ठीक है। ये एम्पलीफायर रीजन है या ऑपरेटिंग रीजन, तो यहाँ मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज प्लस बी सैचुरेटेड या प्लस बी सी सी होगा, ये मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज होगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा कभी भी। मिनिमम आउटपुट वोल्टेज माइनस बी सेट या माइनस बी सी सी होगा मिनिमम, और वी नॉट जो है वो माइनस बी सी सी से प्लस बी सी सी के बीच में वैरी करेगा, या माइनस वी सैचुरेशन से प्लस वी सैचुरेशन। यहाँ तो नोट डाउन करो सब लोग, डन लगना। चलो डन लिखना। इतना हो जाए डन लिखना चलो। तो आज आप एडजस्ट कर लो थोड़ा, कोई आप अब देखो टेक्निकल इशू तो आ ही जाता, सर ने बात भी की है, देखो चलो डन लिख दो यहाँ तक, सर डन लिख दो यहाँ तक। सबको डन यहाँ तक, एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट। यहाँ समझते हैं ना, जो मैं समझाते जा रहा हूँ, देखो यहाँ पर जान दो एक बार, EOL ओपन लूप गेन, ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, या AOL कह सकते हो गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये बोल सकते हो। तो गेन क्या होता है भाई, ये कंट्रोल में पढ़ाऊंगा, आउटपुट और इनपुट का रेशियो। तो ईओएल होगा आपका
वी नॉट बाय, इनका जो इनपुट है उसको मैं बी डी बोलूँगा, इसको वी डी या वी आई एन, तो वी डी। और वी डी क्या होता है हमेशा, या वी एन बोल दूँ इसे, होता है वी एन आई माइनस वी आई, ठीक है। तो वी डी क्या हो गया, नॉन इन्वर्टिंग कितना है, ये नॉन इन्वर्टिंग है वी एन आई, ये जीरो वोल्ट है, ये वन, ये वी आई है। तो वी एन आई कितना हो गया, जीरो माइनस ये हो गया आपका वन माइक्रो वोल्ट। तो वी डी कितना हो गया, वन माइक्रो वोल्ट। इसका गेन जो 10^6 दे रखा है, इसलिए ए ओ एल वी नॉट अपॉन वी डी है 1 माइक्रोफेरड। तो अगर 10^6 इक्वल टू वी नॉट अपॉन माइनस 1 माइक्रोफेरड, तो वी नॉट कितना हो गया, माइनस 1 माइक्रोफेरड इनटू 10^6, तो वी नॉट हो गया माइनस 1 वोल्ट। पहले का आंसर जो होगा वी नॉट माइनस 1 वोल्ट है, कितना आएगा, माइनस 1 वोल्ट। इसका मतलब आपका ये है, कुछ नहीं करना, ए ओएल होता ओपन लूप गेन ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर, ए ओएल गेन ऑफ ओपन लूप ओपन ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो गेन होगा आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट क्या है वी नॉट, इनपुट क्या है वी डी। तो वी डी क्या हो गया, नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग, तो हो गया जीरो माइनस ये, और ये आ गया वी डी। वी डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो पहले का आंसर होगा माइनस 1 वोल्ट, क्या हो गया, माइनस 1 वोल्ट। देखते हैं ना मैं कहाँ तक लेके जाता हूँ, और एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल टू देखते हैं ना सब लोग, एग्जाम्पल टू। नेगेटिव वाले पार्ट को मैंने ग्राउंड कर दिया, पॉजिटिव वाला पार्ट है उसको दे दिया 1 माइक्रोफेरड। ईओएल जो है आपका वो 10^6 वोल्ट है, और ये आपका वी नॉट है, ये कितना है +10 वोल्ट, और ये कितना आपका -10 वोल्ट। तो वी नॉट जो होगा अपना, ईओएल जो होगा वो वी नॉट बाई वी डी होगा। तो वी नॉट क्या हो गया, ए ओ एल वी डी। तो वी नॉट क्या होगा, ए ओ एल है 10^6, वी डी क्या है, वी नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग, ये वाला नॉन इन्वर्टिंग है इस केस में, वी नॉन इन्वर्टिंग, ये वी इन्वर्टिंग है, कितना वोल्ट है वो, जीरो वोल्ट। तो ये क्या हो गया वी नॉट, तो 10^6 इंटू वी नॉन इन्वर्टिंग मतलब 1 × 10^-6 -0, तो ये 1 वोल्ट आ गया। देखो दोनों ढंग लिखो सब लोग, दोनों ढंग लिखो, दोनों ढंग लिखो। डन हो गया सबका, इतना याद डन हुआ सबका। देखो देखते हैं ना एकदम,
बने रहना सब लोग, सब लोग बने रहना। देखो एग्जाम्पल थ्री, छोटे छोटे एग्जाम्पल से बहुत बड़ा एग्जाम्पल पर आ जाऊँ मैं, देखते आना सब। एग्जाम्पल थ्री, एग्जाम्पल थ्री, तो ऐसा लिया, सब लोग ध्यान से समझने के, माइनस प्लस एक राउंड है, 1 मिली वोल्ट, ये आपका वी नोट, ऊपर वाला 10 वोल्ट, नीचे वाला -1 वोल्ट, वी एन आई कितना है 0 वोल्ट, और वी ए वी आई है, तो वी नॉट क्या होगा, ए ऑयल बी डी, या क्या कह सकते हो, ए ऑयल क्या होगा, वी नॉट बाई वी डी, तो वी नॉट क्या हो गया, ए ऑयल बी डी, और वी नॉट क्या हो गया, ए ऑयल है 10 की पावर 6, हो गया वी नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग, तो वी नॉट कितना हो गया 10 की पावर 6, नॉन इन्वर्टिंग 0 - 1 × 10 की पावर -3, तो वी नॉट आ गया -1000 वोल्ट। -1000 वोल्ट तो हो ही नहीं सकता, या जो जो रेंज है वो माइनस और प्लस 10 के बीच में, एक तो 1000 कहाँ से आ जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, सबसे इम्पोर्टेंट ये नॉट पॉसिबल। तो -1000 कहाँ से आ जाएगा, तो इसका मतलब है वी नॉट जो जाएगा 2 वाट्स नेगेटिव, और मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज कितना है, आपने जो दिया मैक्सिमम है -10, तो वी नॉट जो होगा -V saturated या -VCC -10। तो जो आपको जो है यहाँ से यहाँ सेचुरेट हो सकता है, यहाँ मैक्सिमम नंबर कहाँ तक सेचुरेट होता है, -10 तक, तो आंसर जो होगा, रॉन्ग आंसर क्या होगा, रॉन्ग आंसर वी नॉट इक्वल टू -100, ये गलत है। राइट आंसर क्या होगा, वी नॉट इक्वल टू -10, ये क्लियर सबको, अरे सब क्लियर, देखो इसमें देखो, सब लोग यहाँ तो देखो क्लियर लिखो सब लोग, धीरे धीरे एग्जाम्पल देखना, बढ़िया बढ़िया पे जाऊँगा, धीरे धीरे बात करते जा रहा हूँ। अब अटक रहा है, अब तो सही चल रहा होगा बेटा, अब सही चल रहा है ना, अब अटक तो रहा होगा, अब सब लोग बताओ सही चल रहा है, थोड़ा टेक्निकल सर सॉल्व करवाते तुरंत, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आती है, फिर भी आपने जैसे ही बोला सर ने कॉल किया, अब देखना एक बार सही आ रहा है क्या, अब तो सही होगा ना, सबका सही चल रहा है, अब तो नहीं अटक रहा भाई किसी का, तो सब लोग कमेंट करो एक बार सही चल रहा है कि अब भी अटक रहा है एक बार, सब लोग कमेंट करो एक बार, अरे राइट मेथड कुछ नहीं है बेटा, राइट आंसर ये है कि यहाँ जो वी नॉट है आपका आया माइनस, इसमें क्या है बेटा, यहाँ तक तो हो ही नहीं सकता ना, जो मैक्सिमम आउटपुट की जो वोल्टेज थी आपकी वो क्या थी, अभी बताया था ना, अभी बताया तो था आपको, पता ही नहीं ध्यान कहाँ पर है आपका, ये बताया नहीं था, ये वी सैचुरेटेड से प्लस वी सैचुरेटेड, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड वोल्टेज ही -10 है, तो उससे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा मीट सोलंकी, जब आपने दिया ही उसको जो सप्लाई वोल्टेज +10 है और एक -10 है, तो -10 से ज़्यादा नेगेटिव कहाँ से हो जाएगा, इतना नेगेटिव थोड़ी होगा, जब दिया ही आपको उसने आपको +10 और -10 के बीच में,
तो मैक्सिमम कितना होगा, माइनस टेन होगा, तभी तो मैक्सिमम माइनस टेन आया है, मैक्सिमम नेगेटिव। समझ में आया बेटा अमित सोलंकी? तो जो कह रहा हूँ उनको ध्यान सुनो और दोबारा रिपीट कराओ, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। मैंने आपको अभी बताया कि वी नॉट जो है, ये बताया नहीं बताया, बताओ आप ऐसे करोगे उस पर ध्यान ही नहीं है भाई कहीं। मैंने पहले कह रहा हूँ, ये दो बार बताया है। क्लियर ना सबको? अब ऐसे आप क्वेश्चन करोगे, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले यार। खुद देखो आप मीट सोलंकी। भाई जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान सुना करो आप, ऐसे नहीं क्या आपका अलग ध्यान है फिर ये दोबारा रिपीट करवा लिया आपने, ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल बता रहा हूँ मैं आपको, अभी तो बताई थी मैंने ये चीज़, तो दो मिनट पहले। फिर मैं बताने के लिए मना कर दूंगा, दो मिनट पहले जो बताई थी, सीधी बात है यार। इतना पैसे नहीं चाहिए भाई कि जब दो मिनट पहले बताया और फिर उसको ही भूल जाओ आप। देखो एग्जाम्पल फोर, प्लस माइनस ये 1 मिली वोल्ट है, ये ग्राउंड है, ये वी नॉट है, ये ऑल है 10 की पावर 6। ये कहाँ से कहाँ जा सकता है? सप्लाई वोल्टेज तो माइनस 10 से प्लस 10, उससे ज़्यादा हुआ सेचुरेट होगा फिर। तो वी नॉट क्या होगा फिर, यहाँ लिख देता हूँ ईओएल बीडी, या आप ऐसे लिख दो ईओएल क्या होगा, वी नॉट बाई बीडी। तो वी नॉट क्या हो गया, ईओएल बीडी। तो वी नॉट क्या हो गया, ईओएल कितना 10 की पावर 6, ये कितना वी नॉन इन्वर्टिंग माइनस वी इन्वर्टिंग। तो V नॉट हो गया आपका 10 की पावर 6 नॉन इन्वर्टिंग, या V V नॉन इन्वर्टिंग, V इन्वर्टिंग 0 है, तो हो गया 1 × 10 की पावर -3 -0। तो ये हो गया 1000, V नॉट हो गया प्लस 1000 वोल्ट, नॉट पॉसिबल। तो V नॉट क्या होगा, सैचुरेटेड 2 वाट्स प्लस वी सेट, तो वी नॉट होगा प्लस वी सेट प्लस वी सैचुरेटेड प्लस 10 वोल्ट। देखो सो क्लियर, क्लियर सब क्लियर? तो धीरे धीरे आपको एक अच्छे मेथड तरफ लेके जाऊंगा मैं, धीरे धीरे। इतना क्लियर सबको, इतना क्लियर? तो सब लोग यहाँ तक क्लियर लिखो, सब लोग यहाँ तक क्लियर, क्लियर सबको इतना? इतना हुआ सर, अगर बी सी सी एंड बी ई सेम ना हो तो, सेम ना हो तो बेटा जैसे मान लो अगर ये होता, अभी बताया था ना मैंने आपको ये प्लस 10 वोल्ट है, अगर माइनस 5 वोल्ट है तो आंसर प्लस 10 होता फिर, अगर माइनस भी सेंस होता तो माइनस 5 वोल्ट होता। सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता। मनीष मीणा और उसके आगे बात करूँगा, अभी मैंने बोल दिया आपसे, अभी तो मैंने ही बताया कि सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता, मतलब पूरे इंडिया में सब लोग यही कहते हैं सेम होता है, जिक्र करूंगा उसका आगे। और अब इतना बता रहा हूँ उतना ध्यान दो आप, मतलब कुछ बस सुनते जाइए जो मैं बताता जा रहा हूँ।
सर के पढ़ाने का अकॉर्डिंग एक बार सबसे दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि एक बार शेयर तो बनता है। हाँ सब लोग शेयर कर दिया करो, मैं आपसे बोलता तो हूँ पर आप क्या करूँ, आप नहीं करते हो तो भाई क्या कर सकता हूँ मैं, सबको बोलता तो हूँ मैं, बोल तो बोलते आपको, अब क्या बोलूँ मैं आपको, आप शेयर ही नहीं करते हो ना किसी से बोलते हो। मैं तो अपना काम अच्छा कर रहा हूँ, अब आपका आपके ऊपर छोड़ रखा है मैंने, देखो आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करो, नहीं अच्छा लग रहा तो मत शेयर करो, मैं तो बोल ही सकता हूँ आपसे। EOL in PDSO ideal operation amplifier. So ideal operational amplifier. ये भी जो सेचुरेट होगा वो जो आंसर आएगा वो प्लस 10 और माइनस 10 के बीच में होगा जो भी आएगा। तो EOL क्या होगा, V नॉट बाई VD, V नॉट होगा EOL VD। तो V नॉट क्या होगा, A ओवर V नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग, तो V नॉट क्या हो गया प्लस इन्फिनिटी हो गया, और ये क्या हो गया नॉन इन इन्वर्टिंग जीरो माइनस वन इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स, तो V नॉट हो गया प्लस इन्फिनिटी इंटू माइनस वन इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स, तो V नॉट हो गया माइनस इन्फिनिटी, नॉट पॉसिबल। तो V नॉट सैचुरेटेड मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज, तो V नॉट क्या हो गया माइनस वी सी सी या माइनस वी सेट या माइनस 10 वोल्ट। अगर माइनस 10 की जगह माइनस 10 की जगह माइनस 5 आता फिर माइनस 5 हो जाता, 10 की जगह माइनस 20 होता तो माइनस 20 हो जाता, जो माइनस में होता है इधर वो हो जाता है। चलो डन, देखो चलो डन। तो सब लोग आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जो कंटेंट मिल रहा है नेटवर्क का हो एनालॉग का, प्लीज़ उसको आप शेयर करो। मैंने आपसे बोला ग्रुप जितना लोगों को बता सकते हो बताओ, उनका स्टेटस लगाओ फेसबुक पे, बताओ कि भैया हमारा इस लेवल का चल रहा है। मैं आपसे बोल ही सकता हूँ शेयर करना नहीं करना वो आपके ऊपर है बात। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत शेयर करो आप। यहाँ तो देखो सोलो, एग्जाम्पल सिक्स, प्लस माइनस अभी तो हीरो बनाऊंगा आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वन माइक्रो वोल्ट,
देखो आपका ई ऑयल क्या होगा, वी नॉट बाई वी डी, तो वी नॉट क्या हो गया ई ऑयल वी डी, तो वी नॉट क्या हो गया प्लस इन्फिनिटी, और बी डी क्या हो गया बी नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग, वी नॉट क्या हो गया प्लस इन्फिनिटी नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग, देखो मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूँ अर्जुन सिंह ही लिख रहे हैं, जो 500 रुपये में मिल रहा है ना वो 5,000-50,000 में भी नहीं मिल पाएगा, बता रहा हूँ मैं आपको ये प्रॉमिस, पर आप लोगों की आप इतना शेयर करते हो नॉन इन्वर्टिंग वी एन आई, आप कोई मेडिजी वगैरह हम 1,00,000 रुपये दिया होगा ना वो भी नहीं ले पाया होगा, ऐसे समय पढ़ा रहा हूँ 1×10^-6 -0, तो वी नॉट हो गया प्लस इन्फिनिटी, तो वी नॉट सैचुरेटेड मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज, मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज, और यहाँ मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज आपने दिया क्या है, क्या दिया 10, क्या दिया 10 ज़्यादा दिया ही नहीं, तो वी नॉट हो गया प्लस वी सी सी या प्लस वी सैचुरेटेड, तो वी नॉट हो गया प्लस 10 वोल्ट, तो जो दिया उससे ज़्यादा काम मिल जाएगा, सब लोग यहाँ से डन लिखो, डन लिखो सब लोग, चलो डन, डन हो गए सब, आइडियल ऑप एम्प स्लग एम्पलीफायर, आइडियल का मतलब है ए ऑयल जो होगा इन्फिनिटी होगा और वी डी जो होगा वी एन आई माइनस वी आई और जो कि जीरो होगा, आप ऐसे भी ले सकते हो, चलो ऐसे रहने दो, जैसे आप यहाँ पे जान दो वी एन आई अगर वी आई से ज़्यादा है ये ज़्यादा है तो वी डी ग्रेटर देन जीरो होगा फिर, और वी डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो वी नॉट जो होगा वो है ए ओ एल वी डी, और एयर वी डी ग्रेटर देन जीरो तो वी नॉट हो गया प्लस वी सेट, सैचुरेट की तरफ सेट करेगा, तो वी एन आई अगर छोटा है वी आई से अगर छोटा है तो वी डी लेस देन जीरो होगा, वी डी लेस देन जीरो होगा क्योंकि जो वी नॉट जो होता है वो ए ओएल वी डी होता है, हियर वी डी लेस देन जीरो है तो वी नॉट जो होगा माइनस वी सेट, देखो बिल्कुल सही कह रहे हैं सुखराम बासु भाई, ये सर ज़्यादा
चलो कोई देर देखो, हम अगर बात करें इसकी आगे, ये था आइडियल ट्रांसफर कैरेक्टरी बनाना हो आइडियल वी डी या फिर वी आई एल और ये वी नोट, ये प्लस वी सेट ये माइनस बी सेट, एक प्लस बी सेट है और दूसरा क्या माइनस बी सेट है। इस साइड जो है वी एन आई ये ग्रेटर देन है वी आई से, तो वी डी की जो वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो है। इस साइड बात करोगे वी एन आई छोटा है वी आई से, तो वी डी जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। ये क्या है आइडियल ट्रांसफर कैरेक्टिक्स, ये क्या फिगर ट्रांसफर कैरेक्टिक्स ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो आइडियल कैरेक्टिक्स है या तो प्लस वी सेट मिलेगा या माइनस वी सेट मिलेगा। जब बी डी की वैल्यू जीरो से ज़्यादा होगी तो वी एन आई ज़्यादा होगा वी आई से तो प्लस वी सेट मिलेगा। जब बी डी की वैल्यू बी सी से कम होगी तो वी एन आई है तो ये माइनस वी सेट है। तो ये क्या है ट्रांसफर कैरेक्टिक्स ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये आइडियल ही है, सबका डन यहाँ तक, सबका डन, सब डन लिखो। सुखराज वासु क्या लिख रहे हैं मेरे को, वो ये लोग 50,000 रुपये देते हैं 500 रुपये के लिए, देखो जान तो उनकी सब अकल ठिकाने आ जाएगी जब वो पेपर देंगे, क्योंकि फर्जी कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो ओरिजिनल कंटेंट मिल रहा है। लोगों को पता ही नहीं है, लोगों चाहिए वो फर्जी बारा, फिर वो सिलेक्शन नहीं होता, फिर वो रोते हैं क्यों नहीं हुआ, पढ़ाई उन्होंने फर्जी टाइप से। आप ऐसे पढ़ो तभी सिलेक्शन होगा, यहाँ पूरा टॉपिक डिटेल में चल रहा है। सही कह रहे हो आप सुखराज बासु एकदम, देखो कुछ समरी करा रहा हूँ, समरी या लिंक क्या कुछ लोग बस ये सिलेबस हो गया और कैसा हुआ ये कोई फर्क नहीं पड़ता उनका, पूरे इंडिया में यही प्रॉब्लम है। छोटे छोटे करा दो, सब कुछ उड़ा दो, वो बिल्कुल मत पढ़ाओ जो पेपर जो इतना काट दो सब कुछ और कह दो हो गया, बच्चों को लगता हो गया, पेपर में बैठता तब पता चलता है उसे कि ये पता ही नहीं क्वेश्चन कहाँ से आया। तो ये तो पूरे इंडिया में प्रॉब्लम है भाई, फिर सिलेक्शन नहीं होता, फिर वो परेशान होता, डिप्रेस होता है, फिर प्रैक्टिकल पूरे डिटेल में नहीं पढ़ाओ सिलेक्शन कहाँ से होगा। प्रैक्टिकल ट्रांसफर कैरेक्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, कैरेक्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। देखो सुखराज बासु लग रहे हैं, इससे पहले 4 फैकल्टी से पढ़ा है एनालॉग, पर अरियम सर जैसा कोई नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, आप कई लोग भरोसा ही नहीं करते, मैं क्या बताऊँ। कई लोग फर्जी टाइप से पढ़ते हैं, फिर परेशान होते हैं,
फिर सिलेक्शन नहीं होता, फिर डिप्रेस होते हैं, फिर कहते हैं पढ़ने सिलेक्शन नहीं हुआ। कहाँ से होगा, पढ़ाई फर्जी टाइप है। इतना डिटेल में पढ़ो तब पता चलेगा, तो आप कितने भी रिपीटर हो फिर भी आपको सीखने को मिलेगा। और जो लोग ये तो अपनी हकीकत बताएं सुखराज बासु, कई लोग अपनी हकीकत छुपा के बैठे, वो बताते ही नहीं, शेयर ही नहीं करते, इन्होंने तो फिर भी ओपनली बता दिया भाई ये बात है। अब यहाँ पर ध्यान दो, एक बार ये वाला पॉइंट पता करना है कितना है, और एक बार ये वाला पॉइंट पता करना है कितना है। अभी इस प्रैक्टिकल से मैं आइडियल पर जाऊँगा, प्रैक्टिकल से किस पर जाऊँगा, आइडियल पर, प्रैक्टिकल से आइडियल पर। अब देखो EOL क्या होता है, मैंने अभी बताया था बेटा, वी नॉट बाई VD होता है, मुझे VD की वैल्यू चाहिए। VD क्या होगा बेटा, वी नॉट बाई EOL, BD चाहिए ना, BD ये बेटा इस साइड, BD कौन सा बेटा, BD ये वाला, ये बताया था बेटा, जैसे ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है बेटा, ये आपका VNI बेटा, ये आपका VI बेटा, और इन दोनों जो गैप है वो BD होगा या VI बोलेंगे बेटा, और ये V0, ये कह रहा हूँ BD। पहला अगर इफ V0 प्लस V सैचुरेटेड है तो VD क्या हो गया, प्लस V सैचुरेटेड अपॉन EOL, ठीक है ना। दूसरा इफ V0 माइनस V सैचुरेटेड है तो VD क्या होगा, फिर माइनस V सैचुरेटेड अपॉन EOL। तो कैरेक्टर्स कैसी हो गई फिर बेटा, ये क्या होगा VD और ये हो गया VIN और ये हो गया V0 और ये आपका, तो ये हो गया प्लस वी सेट और ये हो गया आपका प्लस वी सैचुरेटेड अपॉन EOL। और ये हो गया माइनस वी सैचुरेटेड अपॉन EOL। यहां तक सब लोग क्लियर लिखो, यहाँ तक क्लियर सब लोग। चलो डन लिखना आया था, चलो क्लियर। तो ये ऐसे हो गई ये कैरेक्टिक्स, चलो क्लियर लिखो, चलो क्लियर। तो मैं आपको ये 100% कह सकता हूँ, आप जो यहाँ 500 रुपये में पढ़ रहे हो वो आप 50,000 भी दे दो ना तब भी नहीं सीख पाओगे आप जितना यहाँ सीख पाओगे। और आप बोलो किसी भी फैकल्टी से आप 15 बार पढ़ लो, यहाँ आप एक बार का उस 15 बार के बराबर होगा, लोग कराते नहीं है इतना। तो जो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया सुखराज बासु ने, ऐसे अपने अपने एक्सपीरियंस भी आप लोग शेयर किया करो और लोगों को बता करो भाई हमने 4-4 ये बार किया था फिर भी हमको ये एकदम बढ़िया लग रहा है। तो मैं कह रहा हूँ ना, तो ऐसे तो है नहीं मेरी मार्केटिंग बहुत अच्छी हो, मैं तो वही पढ़ाने बिलीव करता हूँ। माउथ पॉलिसिटी आप लोग करोगे वो आपके ऊपर, आप कितना शेयर करते हो। देखो यहाँ पर अगर V0 की बात करें, ये हो गया माइनस V सैचुरेटेड टू प्लस V सैचुरेटेड होता है डिवाइड बाई EOL। EOL तो ये क्या होगा, माइनस V सैचुरेटेड डिवाइड बाई EOL और ये हो गया V0 बाई EOL और हो गया V सैचुरेटेड बाई EOL। और ये वाला जो टर्म होता है वो VD होता है, तो हो गया माइनस V सैचुरेटेड अपॉन EOL, ये हो गया VD और ये हो गया V सैचुरेटेड अपॉन EOL। हियर EOL क्या होगा, हियर VD, हियर VD क्या होगा, BD होगा आपका V0 अपॉन EOL। देखो ये होगा, देखो
बी टी एओएल अपॉन बी डी होता है, देखो तो मीट सोलंकी ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, सुखराज बासु ने भी शेयर किया, एकदम जो ओपनली स्टूडेंट होते हैं मेरे को बहुत पसंद है एकदम वो। सुखराज बासु ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उनका एक बार आप कमेंट देखो, वो भी लिख रहे हैं, मीट सोलंकी भी लिख रहे हैं बेटा। अब यहाँ पे ध्यान देना, तो सब लोग ऐसे अपना आप शेयर किया करो, देखो जिससे क्या लोगों को पता चले। मेरा कंटेंट, आप कंटेंट की गारंटी मेरे पर छोड़ दो, हमेशा बहुत बढ़िया मिलेगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माउथ पब्लिसिटी आप करो यार, तभी सब लोगों को फायदा हो पाएगा, बताओ। देखो अब यहाँ पर जान दो, अब इसको मैं आइडियल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैं किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ? आइडियल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ फॉर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, फॉर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए AOL जो होना चाहिए इन्फिनिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई? इन्फिनिटी। तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए AOL जो होना चाहिए इन्फिनिटी होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये इन्फिनिटी हुआ तो जीरो हो जाएगा फिर, तो ये टर्म क्या होगी? टर्म प्लस बी सैचुरेटेड अपॉन AOL, तो बिल्कुल जब ये इन्फिनिटी होगा तो ये यहाँ आ जाएगा फिर एकदम। तो ये टर्म जो होगी, आप जो टर्म जो कहलाएगी आपकी तुरंत प्लस बी सेट से माइनस बी सेट हो जाएगा नीचे का टर्म, तो ये यहाँ ऐसे आ जाएगा बी, ये बी डी, ये बी आई, तो कैसे हो जाएगा? ये यहाँ जाएगा, ये होगा प्लस बी सेट, ये होगा माइनस बी सेट, आ गया ना आइडियल। प्रैक्टिकल से मैं आइडियल में लिया है, यहाँ पे क्या होगा? वी एन आई ग्रेटर देन वी आई होगा और वी डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, तो वी नॉट होगा प्लस बी सेट, प्लस बी सेट। यहाँ पे क्या होगा? वी एन आई लेस देन वी आई होगा और वी डी की वैल्यू जो होगी लेस देन जीरो होगी और वी नॉट जो होगा माइनस बी सेट होगा, और ये वी नॉट है आपका। तो ये क्या हो गया? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो मैं प्रैक्टिकल से किसमें लिया? आइडियल में। प्रैक्टिकल से किसमें लिया? आइडियल में। देखो प्लस भी देखो डायरेक्ट हो गया तुरंत, देखो देखो। तो दीजिए प्रैक्टिकल से किसमें लिया? आइडियल में। प्रैक्टिकल किसमें लिया? आइडियल में। सब क्लियर? तो आज आपने आइडियल कैरेक्टिक्स ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, फिर आपने प्रैक्टिकल ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, तो तुरंत सैचुरेट हो गया प्लस बी सेट से माइनस बी सेट। गहरा कर दिया मैंने, सब क्लियर? सब लोग यहाँ तक क्लियर लिखो, सब लोग क्लियर लिखो यहाँ तक। रजनीक पारिक डल,
चलो क्लियर एंड डन लिखो यार। आई डोंट सी मीना डन। मीट सोलंकी डन। क्लियर 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 क्लियर, सब लोग क्लियर एंड डन लिख रहे हैं। तो मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया हो अपने एम्पलीफायर। अब कल से एसएससी के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं क्या आपके? कितने लोगों का पेपर है कल एसएससी का? कौन किस किस लोगों का पेपर है कल एसएससी का? 27, 28, 29, 30। अच्छा परमेश सैनी आपका 29 को, अच्छा रजनी पारेख आपका कल है। तो कल का आप लेक्चर फिर बेटा आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग डेट में अलग अलग हुआ है। अच्छा आपका 28 को है, गौरव सैनी 29 को है, परमेश का भी 29 को। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जिन्हें कल का एग्जाम है कल एक बार वो रिकॉर्डेड देख लेना फिर परसों वो। ऑल द बेस्ट आपको सबके एग्जाम के लिए। संदीप कुमार आपको ऑल द बेस्ट लिख रहे हैं, मेरी तरफ से भी ऑल द बेस्ट बेटा आपको एग्जाम के लिए। आज हमने बहुत बेसिक्स पढ़ा, कल इसमें फिर कंटिन्यू करेंगे, कल एकदम फ्री है। तो आप बने रहना, आप लोग ओपन एम्पलीफायर पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आप लोग मेरे ब्रश करना एकदम मस्त समझ में आएगा। बस आप डेली बने रहना, डेली बने रहोगे तो मैं आपको ले जाऊंगा। जब आपको मैंने डायोड समझा दिया, जीने डायोड समझा दिया, वो भी रेगुलेटर, फिर तो ये तो कुछ नहीं है उसके सामने। तो आप सब लोग इन्जॉय करोगे, आप सब लोग ये। तो अब नेटवर्क की क्लास अपन रखेंगे और ज्योति का भी पेपर 28 को है, तो ज्योति के लिए भी बेटा अब वो क्या नाम है, ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। जिनका भी 28 को पेपर है उन सबके लिए ऑल द बेस्ट, सबके लिए, आप सबके लिए, उन जिनका 28 को है, ठीक है। चलो इसके बाद अपन नेट्रो पढ़ेंगे, नेट्रो में ट्रांजिएंट स्टार्ट करेंगे मस्ट टाइप से, और आज ट्रांजिएंट स्टार्ट करूँगा मैं, ठीक है ना। और शायद हो सकता है कल 28 है, 29 तक अपना नेट्रो एंड हो जाए शायद, ठीक है। आपके लिए ऑल द बेस्ट, जिनका पेपर है कल वो लोग कल रिकॉर्डेड देख लेना, परसों फिर लाइव में आ जाना आप सब लोग। और आप सब लोग शेयर किया करो यार, मैं पहले ही बोल चुका हूँ आप सब लोगों को, आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप सब लोग अपना एक फेसबुक आईडी से शेयर करो कि भाई एक बढ़िया तरह लाइन लिखो, उसको शेयर करो, हमारा कंट्री इस लेवल का चल रहा है, आप व्हाट्सअप पर स्टेटस डालो। तो आप लोगों के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, तो आप लोगों का भी फर्ज है कि मेरे लिए आप कुछ काम करो, आप कुछ शेयर करो चीज़ें, इससे क्या है मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चा ग्रुप में कनेक्ट हो और आप लोगों को भी फायदा हो, यहाँ एक माहौल बने। आप सबके लिए ऑल द बेस्ट।